स्टूडेंट्स, स्मार्ट स्टडी ट्यूटोरियल्स में इंग्लिश ग्रामर पोर्शन में कंपोजिशन पार्ट में आपका स्वागत है। पापा की फोटो। आज हम सामान्य पत्र कैसे लिखा जाए और किस तरीके से अपने संपूर्ण ग्रामर के जो पत्र हैं अंग्रेजी में लिखे जाते हैं वो उनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। ये जो लेटर का फॉर्मूला है वो एट्थ, टेंथ एंड इक्वली इन ट्वेल्थ क्लास, सिमिलरली ये सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अपन जानते हैं कि ग्रामर में बहुत सारी लेटर दिए हुए होते हैं, उन सबको उनको लर्न करना, उनको याद करना, टिप्स पे रखना बहुत कठिन काम है। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है लेटर का जिसके माध्यम से अपन लगभग संपूर्ण पत्र, कि चाहे किसी भी प्रकार का पत्र आए, सामान्य पत्र, तो उसमें इस लेटर के इस फॉर्मूले को के हेल्प से अपन इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले है जो है लेटर का फॉर्मूला है, सबसे पहले ऊपर कोई सा भी प्रकार का लेटर आए तो वहाँ सबसे पहले ऊपर लेटर फोर अर्थात जिसके बारे में अपन लिख रहे हैं उसके बारे में अपने को लेटर की हेडिंग जरूर लिखना चाहिए। इसके बाद में राइट साइड पे आपका है, जैसे किसी स्थान के बारे में पूछा है तो स्थान के बारे में लिखना होता है, जैसे, और यदि स्थान के बारे में नहीं लिखा होता है तो यहाँ ऊपरी ऊपर एग्जामिनेशन हॉल अजमेर और जिस तारीख को अपनी एग्जाम है, जैसे 20 मार्च 2018 को है या 19 को है, तो वहाँ पे अपन इसके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद में दूसरा पोर्शन आता है सैल्यूटेशन का, जिसमें माय डियर के आगे आप मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, जिसको भी आप लिख रहे हो उसके बारे में अपने को लिखना है। जैसे, और ये चीज़ अपने को दो बार रिपीट करना है। देखिए, ऊपर माय डियर है और द्वितीय जो पैराग्राफ है नीचे से वहाँ माय डियर के आगे भी आपके खालिस्तान दे रखा है, तो ऊपर जैसा लिखेंगे ऊपर माय डियर अंकल लिखेंगे तो यहाँ नीचे भी माय डियर अंकल अपने को लिखना है, ठीक है। इसके बाद में आगे लिखते हैं कि मैनी थैंक्स फॉर योर लेटर, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई रिसीव्ड योर लेटर टुडे इन द मॉर्निंग, मैंने आज सुबह ही आपका पत्र प्राप्त किया है, एंड वाज रियली प्लीज्ड या फिर सो। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पे दोनों में से एक चीज लिखनी है, मुझे, मैंने आज सुबह ही आपका पत्र प्राप्त किया और मुझे वास्तव में बहुत ज़्यादा दुख हुआ, या बहुत वास्तव में मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई टू हियर फ्रॉम यू आफ्टर लॉन्ग टाइम, कि आपके बारे में एक लंबे समय के बाद सुनकर मुझे वास्तव में बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई, या मुझे आपके बारे में बहुत लंबे समय के बाद जानकर प्रसन्नता हुई या दुख हुआ। इसके बारे में अपने को या तो प्लीज्ड लिखना है या फिर सैड लिखना है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में जो है यहां लिखना है कि वी, यू विल बी वेरी ग्लेड या सैड टू हियर या टू नो दिस दैट, आपको यह जानकर बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगी या आपको यह जानकर बहुत ज्यादा दुख होगा कि, अब इसके आगे अपने को समाचार लिखना है, लेकिन इससे पूर्व अपने को दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला जो वाक्य है कि मुझे बहुत लंबे समय के बाद आपके बारे में जानकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ या प्रसन्नता हुई, एक तो ये अपन खुद सामने वाले को अपने समाचार, सामने वाले के समाचार ज्ञात होने के पश्चात अपन क्या महसूस कर रहे हैं, वो वाली पहली वाली चीज़ है। और दूसरा वा जो है यू विल बी वेरी ग्लेड, आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे, या यू विल बी वेरी सैड, या आप बहुत ज़्यादा दुखी होंगे या अप्रसन्न होंगे ये बात सुनकर, यहाँ पर अपने को समाचार लिखना है। जो भी सेंटेंस, जो भी अपन समाचार देना चाह रहे हैं वो इसमें आएंगे, वो कैसे होंगे
क्या लिखना है बीच में गैप में वो मैं अपन बाद में बात करते हैं। इसके बाद में नीचे लिखना है माय डियर, माय मेरे प्रिय, अर्थात जो ऊपर माय डियर के तुरंत बाद अपन ने जो पेस्ट किया था वैसे वैसे यहाँ लिखना है। अर्थात जैसे माय डियर मॉम लिखा है या माय डियर फादर लिखा है या माय डियर अंकल लिखा है, तो जैसा ऊपर लिखा है वैसा ही अपने को नीचे लिखना है। ओके, देन आई कुड नॉट मीट यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं आपसे बहुत लंबे समय से मिल नहीं पाया या बहुत लंबे समय से मैं आपसे मिल नहीं पाई। तो ये सेंटेंस यहाँ पे बोलते हैं ना अपन कि बहुत टाइम हो गया आपसे मिले हुए, तो वही वाली चीज़ यहाँ पे लिखना है। नाउ आई एम वेरी ईगर टू सी यू, सॉरी यहाँ पे यू जो है वाई ओ यू समझे, अब मैं आपके बारे में जानने के लिए, मैं आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ या मिलना चाहती हूँ। सो इसलिए श्योर कम सून एज पॉसिबल, इसलिए कृपया यथाशीघ्र जितना जल्दी संभव हो उतना जल्दी आने का प्रयास करें। प्लीज कृपया कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड्स, कृपया संदेश दें माय बेस्ट रिगार्ड्स, मेरी सर्वोत्तम जो एल्डर्स हैं बड़े हैं उनको सम्मान दें, और लव टू यंगर्स, और जितने भी छोटे हैं मेरे से उनको मेरी तरफ से प्यार मालूम हुए। जैसे अपन लिखते हैं ना छोटों को प्यार और बड़ों को सम्मान दें या बड़ों को मेरी तरफ से धोख दें प्रणाम दें, वो वाली सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद में योवर्स अफेक्शनेटली लिखना है, फिर रोल नंबर लिखना है और फिर नाम लिखना है। ध्यान रहे रोल नंबर नहीं लिखना है बोर्ड एग्जाम में, वहाँ पे आपको 1 से 9 तक की फिगर लिख देनी है या फिर एक्स वाई जेड लिखना है। नेम कभी नहीं लिखना है, यदि उसमें दे रखा है कि सपोज यू आर राहुल और प्रियंका, या कल्पना कीजिए कि आप राहुल हैं या प्रियंका है, तो मतलब अपने हिसाब से वहाँ पे नाम लिख सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा नहीं दे रखा है तो अपने को ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लिखनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि किसी भी प्रकार की आइडेंटिटी यदि अपन बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखते हैं तो वो नेगेटिव जाता है, उसके मार्क्स काटे जा सकते हैं, इसलिए इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखें। एक बार दोबारा लिखें, सबसे ऊपर कॉपी में राइट साइड में लेफ्ट साइड में आपको एग्जामिनेशन हॉल अजमेर और फिर तारीख लिखनी है। यही ध्यान रहे यदि ये इस पे प्रश्न पत्र में आपको कुछ दे रखा है कि सपोज यू आर राहुल और प्रियंका देन और यू आर लिविंग इन शास्त्री नगर जयपुर, देन शास्त्री नगर जयपुर ऊपर यहाँ जो एग्जामिनेशन हॉल अजमेर लिख रखा है वहाँ एग्जामिनेशन हॉल की जगह अपने को शास्त्री नगर लिखना है और फिर अजमेर लिखना है। ओके, इसके बाद में अपने को तारीख फेस्ट कर देनी है, माय डियर का मैंने आपको बता ही दिया क्या लिखना है जिसको अपन पत्र लिख रहे हैं वो। इसके बाद में जो है मैनी थैंक्स फॉर योर लेटर, आई रिसीव्ड योर लेटर टुडे इन द मॉर्निंग, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने आज ही आपका पत्र प्राप्त किया है सुबह ही, और मुझे वास्तव में ये सुनकर आपके बारे में बहुत लंबे समय के बाद में सुनकर बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई या बहुत ज़्यादा दुख हुआ। यदि कोई समाचार आपको अच्छा मिला है तो ये आपको प्लीज़ लिखना है, और दुख का समाचार मिला है तो आपको क्या लिखना है सैड लिखना है, और आगे अपने समाचार लिखने हैं कि आपको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगी या आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा ये जानकर कि। अब यहाँ पे अपने को यदि दुख के समाचार देने हैं उसको तो आपको सैड लिखना है, और यदि प्रसन्नता के हैं तो आपको जो है ना ग्लेड लिखना है। फिर सेम हियर देन माय डियर के आगे जो ऊपर पेस्ट किया वैसा का वैसा, आई कुड नॉट मीट यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं आपसे लंबे समय से नहीं मिल पाया और मैं अब बहुत आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर हूँ, इसलिए जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र आप आने का प्रयास करें। मेरे बड़ों को, सभी बड़ों को मेरी तरफ से सम्मान और छोटों को प्रेम मेरी तरफ से दें, आपका स्नेहाकांक्षी, फिर रोल नंबर और नाम जो मैंने आपको बताया वो। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यदि आपके फ्रेंड को पत्र लिख रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है अफेक्शनेटली नहीं आएगा, सिंसियरली आएगा, वहाँ पे यू वर सिंसियरली SINCERELY सिंसियरली आपको वहाँ पे लिखना है। इसके बाद में ये आपका पत्र पूरा हो गया। इसका दूसरा वाला भाग जो है उसमें आपको मुख्य मुख्य सामान्य पत्रों के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। सो दिस इज द होल लेटर फॉर्मेट, सिंपल
लेटर फॉर्मेट। कीप वॉचिंग, थैंक यू।